यदि कुदरती कहर से बचना है, शाकाहारी रहना है, बाबा जी का कहना साफ, कुदरत नहीं करेगी माफ। गहरा सागर यह संसारा, अगम अविद्या बावर पारा, मैं अनविघ्न जानो तरना ताते, प्रभु के लेनी शरण। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ, सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी बच्चे एवं बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई। 5 फरवरी 2018 को नादेड़ के आप सभी प्रेमियों का सत्संग के माध्यम से दर्शन का अवसर मिला। जब उस मालिक की दया मेहर कृपा होती है, तब ऐसे अवसर जीवन में मिलते हैं कि सत्संग की बातें कहने और सुनने का अवसर मिला करता है। कथा, भागवत प्रवचन तो जगह जगह होता रहता है, लेकिन सत्संग बिरले ही स्थान पर होता है। कथा भागवत में महापुरुषों का इतिहास लोग सुनाते हैं, मनोरंजन के लिए ढोलक मंजीरा भी बजा देते, किस्सा कहानी भी सुना देते। अब उसका असर क्या होता है कि बस इतने तक ही लोगों का दिल दिमाग सीमित रह जाता है कि कथा इसी को कहते हैं, प्रवचन इसी को कहते हैं। जब महापुरुषों के इतिहास को बताते समय उनके त्याग और तपस्या को प्रदर्शित किया जाता है, उनके रास्ते पर चलने के लिए सिखाया जाता है, तब तो उसका लाभ मिलता है, और नहीं तो कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। देखो, इतना जगह जगह कथा भागवत हो रही है, प्रवचन हो रहा है, लोग यज्ञ कर रहे, तब कहे गुरु ग्रंथ का पाठ कर रहे, रोज़ा नमाज अदा कर रहे, लेकिन शांति आदमी को नहीं। सुख जो मिलना चाहिए उस सुख लोगों को नहीं मिल पा रहा है। समय पर जाड़ा नहीं, समय पर गर्मी नहीं, समय पर बरसात नहीं हो रही। जिन देवताओं को लोग खुश करना चाहते हैं, वे खुश होते नहीं हैं, क्योंकि तरीका खुश करने का उनको मालूम नहीं है। देवता कहाँ रहते हैं, कैसे मिलते हैं, देवताओं से कैसे कोई चीज ली जा सकती है, प्राप्त की जा सकती है, इसकी जानकारी सत्संग से मिलती है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, हम इस दुनिया संसार में खाने पीने और मौज मस्ती के लिए ही आए। जिस तरह से पशु और पक्षी आते हैं, खाते हैं, बच्चा पैदा करके चले जाते, इसी तरह से क्या हमको भी अन्य रह करके और चले जाना है, इस पर विचार करने की आज ज़रूरत है। देखो, ये मनुष्य शरीर खाने पीने
और मौज मस्ती के लिए नहीं मिला, ये विशेष काम के लिए मिला है। ये देव दुर्लभ शरीर है, देवता 24 घंटे इस शरीर के लिए प्रार्थना करते रहते हैं कि थोड़े समय के लिए अगर हमको मनुष्य शरीर मिल जाता तो हम अपना काम बना लेते। अब अपना काम क्या है और पराया काम क्या है? इस वक्त पर जो लोग काम करने में लगे हुए हैं वो पराया काम है। घर मकान बनाते हैं, दुकान खोलते हैं, रुपये पैसा इकट्ठा करते हैं, जमीन जायदाद बढ़ाते हैं, लेकिन जब दुनिया छोड़ करके चले जाते हैं तो वो दूसरे के काम आता है। कहते तो हैं मेरा मकान है, मेरी दुकान है, मेरी ज़मीन है, मेरी फसल ये लगी हुई है, लेकिन जैसे आँख बंद हुआ ऐसे वो दूसरे का हो जाता है। तो ये जो भी काम इस दुनिया का है ये अपना काम कुछ है ही नहीं, ये परिवर्तनशील भूल और भ्रम के देश की जितनी भी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं इन बाहरी आँखों से, ये अपने कुछ है ही नहीं। अपना काम क्या है? अपना काम यह है कि मनुष्य शरीर के रहते रहते अपनी आत्मा का उद्धार कर लिया जाए, कल्याण कर लिया जाए, जन्म मरण से छुटकारा ले लिया जाए, क्योंकि जन्म और मरण की पीड़ा बड़ी भयंकर होती है। अब जीवात्मा क्या है? जो नए लोग आ पाए हो उनको बता दूँ, देखो गर्मी ठंडी का अनुभव आपको होता है, दुख सुख का अनुभव होता है, यह अनुभव कौन करती है? जीवात्मा। आप बैठे हो, आपके शरीर में अगर छुरा भोंप दिया जाए तो दर्द होगा, कष्ट होगा, लेकिन जीवात्मा निकल गई तो शरीर के टुकड़े टुकड़े काट दो, कुछ पता नहीं चलेगा। तो यह है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये जीवात्मा। ये मनुष्य शरीर में अनिन्ह दोनों आँखों के बीचों बीच बैठी हुई बहुत ही छोटी अति सूक्ष्म, उसको आप बाहरी आँखों से देख नहीं सकते हो। दुनिया के किसी भी मशीन से, किसी भी सूक्ष्मदर्शी यंत्र से आप उसको देख नहीं सकते हो, इतनी छोटी है। यही जीवात्मा जो हमारे आपके अंदर है, वही ऊँट के अंदर, बकरी के अंदर, घोड़ा के अंदर, हाथी के अंदर, चींटी के अंदर, चींटी से भी जो छोटे कीड़े होते हैं उनके भी अंदर अनि यही जीवात्मा है। अब आप इस बात को समझो कि ये जीवात्मा जब माँ के पेट में 5 महीना 10 दिन का बच्चा हो जाता है तब प्रवेश कर दी जाती है। उस समय पर अनि मालिक का दर्शन माँ के पेट में बच्चे को होने लगता है। जब अपने पिछले जन्मों को बच्चा देखता है तब मालिक से प्रार्थना करता है, रोता है, चिल्लाता है। पीछे का क्या देखता है? आपसे पूछा जाए आपके कितनी उम्र है, कहोगे 40 साल 8 महीना 3 दिन। इससे पहले आप कहाँ थे? सुनी हुई बात आप बताओगे कि माँ के पेट में थे। माँ के पेट से पहले कहाँ थे इसकी जानकारी किसी को भी नहीं, लेकिन माँ के पेट में जानकारी रहती है कि पिछले जन्म में हम कहाँ थे। कीड़ा थे, मकोड़ा थे, सांप थे, बिच्छू थे, घोड़ा थे, गधा थे, चूहा थे, मुर्गा थे, भैंसा थे, नरकों में मारे गए, काटे गए, सड़ाए गए, गलाए गए, तपाए गए, वो सब दिखाई पड़ता है माँ के पेट में। और जब माँ के पेट की आग तपाती है तब प्रार्थना करता है कि बाहर निकालिए, जल्दी से बाहर निकालिए, बाहर निकल करके हम समर्थ गुरु की तलाश करेंगे, सतगुरु की खोज करेंगे और दिन रात भजन करके अन्य समय लो कि आप के पास ही रहेंगे, और फिर ऐसा कोई कर्म नहीं करेंगे कि जिससे इस माँ के पेट रूपी दोज़ख में, नरक में हमको आना पड़े, क्योंकि माँ के पेट में बड़ी तकलीफ रहती है। टट्टी पेशाब जैसा बिल्कुल ऐसे नाक मुँह के सामने रहता है,
और उल्टे हालत में ऐसे टंगे रहते हैं, तो अन्य समय लोग बार बार प्रार्थना करता रहता है। माँ के पेट में यह भी ज्ञान रहता है कि केवल मनुष्य शरीर के अंदर से ही ऐसा रास्ता गया हुआ है कि जिससे हम स्वर्ग वैकुंठ में जा सकते हैं, ब्रह्म पार ब्रह्म लोक काल महाकाल लोक में सतलोक जा सकते हैं, और किसी शरीर में कोई रास्ता नहीं। यह भी माँ के पेट में जानकारी रहती है कि जब समर्थ गुरु मिलेंगे, सच्चे गुरु मिलेंगे, मुर्शिद कामिल सदगुरु मिलेंगे, तभी हमको वो रास्ता मालूम हो पाएगा। बराबर प्रार्थना करता रहता है, बाहर निकालिए, बाहर निकालिए, बाहर निकालिए। समय निश्चित रहता है, 9 महीना लगभग माँ के पेट में बच्चे को बनने में लगता है। जो बच्चा जल्दी पैदा हो जाता है उसके शरीर की बनावट ठीक से नहीं हो पाती, सिस्टम उसका सही नहीं हो पाता है, तो या तो मर जाता है, और मरता नहीं है तो लगभग बन जाता है तो कमज़ोर रहता है। 9 महीना लगता है, 9 महीना से पहले कोई भी बच्चा माँ के पेट में बनकर बाहर नहीं निकलता, तो मृत्यु शक्ति होती है वो बाहर निकालती है। अब बाहर निकलते समय माँ के पेट से बच्चा रोता है, बहुत तेज रोता है, चिल्लाता है कहाँ 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 पहुँच गए, लेकिन उसकी आवाज़ कोई समझ नहीं पाता। आपकी आवाज़ तो समझ जाएगा, कोई रोगे हंसोगे गाओगे तो आवाज़ को समझ जाएगा, ऐसे हाथ से किसी की तरफ इशारा करोगे तो कहेगा प्यासा है पानी पिला दो, इस तरह से करोगे तो कहेगा भूखा है उसको रोटी खिला दो। भाषा कोई जाने न जाने लेकिन इशारा समझता है आदमी, आदमी आदमी का इशारा समझता है, लेकिन बच्चे का इशारा कोई जल्दी नहीं समझ पाता। तो ले जाते हैं डॉक्टर के यहाँ, कहते हैं बहुत रो रहा है ठीक करो। डॉक्टर को क्या पता, वो तो नींद का इंजेक्शन लगा देते हैं। अब आप ये समझ लो कि रोता क्यों है, रोता इसलिए है कि जैसे ही माँ के पेट से बाहर निकलता है मालिक का दर्शन होना बंद हो जाता है, तब चिल्लाता है कहाँ 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 आ गए। दूसरी बात यह कि आज तक कोई बच्चा सूट बूट पहन करके चड्डी बनियान पहन करके पैदा हुआ, कोई नहीं, सब बच्चे नंगे पैदा होते। अब नंगे बच्चे के शरीर में ये गर्मी और ठंडी इस कदर लगती है कि मालूम पड़ता है कि सैकड़ों सुई कोई बदन में चुभ हो रहा है। मैं आपको बतलाता हूँ बाप को, देखो पैदा हुए तब रोए, दूध नहीं मिला तब रोए, स्कूल जाने को हुआ तब रोए, नौकरी नहीं मिली तब रोए, शादी नहीं हुई तब रोए, शादी हो गई तो रो रहे, लड़के नहीं पैदा हुए तो रोए, और कई लड़के हो गए तो रो रहे। अरे कोई सुखी है? कोई सुखी नहीं, सब दुखी हैं। जिनके पास रुपया पैसा नहीं है, कहते रुपया पैसा हो जाता बड़ा आदमी बन जाता, मैं भी रही से देख लेता क्या चीज़ होती है, कार खरीद लेता, कोठी खरीद लेता, बढ़िया खाता बढ़िया पहनता। लेकिन जिनके पास ज़्यादा है, नोट ज़्यादा है, रुपया ज़्यादा है, उनको जल्दी नींद नहीं आती। बड़े बड़े सेठ रात को 2 बजे नींद की गोली खाते हैं तब नींद आती है। अभी जब नोटबंदी हुई तो रात भर घूमता था सेठ, कमरे में ही चलता रहे, बैठे फिर लेट जाए, फिर उठकर टहलने लग जाए, कहाँ ले जाएं, कैसे करें, कैसे सेट करें, कहाँ कैसे बचाएं, कैसे बदली करें। जब 3 दिन हो गया नींद नहीं आई तो घर वाले ले गए डॉक्टर साहब के यहाँ, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई नींद की गोली दे दी होती तो नींद आ जाती। तो सेठ ने कहा मैंने गोली खाई, 1 से नींद नहीं आई तो 2 खाया, 2 से नहीं आई तो 3 खा गया, तो भी नींद नहीं आई। तो लड़के ने कहा डॉक्टर साहब 4थी गोली दे दी जाए। पर 4थी गोली दे तो दिया जाए, लेकिन ये सोते ही रहेंगे फिर उठेंगे नहीं, फिर ये उठ नहीं सकते हैं।
यही ओवरडोज हो गया, यही बहुत ज़्यादा हो गया। अब आप ये समझो कि जिसके लड़के नहीं हैं, लड़के के लिए किसी से कह दो कि चलो मजार पर चद्दर चढ़ा दो, चलो गया में पिंडदान कर आओ, वैष्णो देवी में चुनरी चढ़ाओ, चलो तुम तेज कर आओ, चलो तुम गंगा यमुना में डुबकी लगा करके मांग लो, लड़का मिल जाएगा, तो भक्ता फिरता है। तब भी नहीं हुआ बच्चा तो कहते हैं कि काली माता के मूर्ति के सामने बकरा काट करके चढ़ा दो, बस लड़का पैदा हो जाएगा। बताओ इतना जघन्य पाप कर डालते हैं, जीव हत्या करते हैं, कौन से देवता के सामने जो न बोलते हैं न डोलते हैं, कुछ भी कहो कुछ भी न सुने, कुछ भी करो कुछ भी न देखें। अभी अन्य काली माता अगर तलवार लहराने लग जाए कि मेरे सामने तुम जीव हत्या नहीं करोगे, तो ये जो जबान के स्वाद के अन्य लालची अन्य कहते हैं कि काटेगा चढ़ाएगा तो खाने को मिल जाएगा, वो सलाह देंगे? कभी नहीं। कभी भी हत्या हिंसा नहीं करनी चाहिए। कोई भी देवता हिंसा हत्या से खुश नहीं होते, वो तो लोग नाम के लिए, खाने के लिए, कमाने के लिए ये सब ऐसा करते हैं। अभी इधर यह हमारा काफिला 7 तारीख को निकला था, तो आपके इधर मध्य प्रदेश, फिर इधर महाराष्ट्र के कुछ ज़िले पड़े, और फिर गया कर्नाटक, कर्नाटक आंध्रा, और फिर तमिलनाडु, और उसके बाद में तेलंगाना हो करके फिर आपके इधर आया है महाराष्ट्र में। तो हमने उधर देखा और ऊँची ऊँची मूर्तियाँ हनुमान जी की, नीचे तो बढ़िया रहने का है लोगों के, गाड़ी खड़ी करने का है, और ऊपर हनुमान जी को गदा लेकर के खड़ा कर दिया। अब हनुमान जी अगर बोलने लग जाएं कि तुमने हमको धूप में खड़ा कर दिया, तुम तो एसी में नीचे सोते हो और हमको तुमने धूप में खड़ा कर दिया, अभी वो बोलने लग जाएं कि तुम तो हमको गांव के बाहर खड़ा कर दिए, और जितनी गंदगी और जितना धूल और मिट्टी सब हमारे ऊपर पड़ रहा, ठंडी गर्मी सब हमको लग रही है, और गधा अगर दिखाने लग जाए तो कोई मूर्ति बनाएगा? कोई नहीं बनाए, नाम के लिए। और नाम के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। काम तुम्हारा जैसे होगा, जहाँ से होगा, अरे वहाँ पर जब जाओगे तरीका मालूम होगा तब काम होगा। तो अब आप ये समझो कि जिनके लड़के नहीं हैं वो तो इस तरह से, और जिनके 4-4 लड़के हैं, कहो दादाजी आप बड़े भाग्यशाली, आपके 4-4 लड़के, 4-4 बहुएं खूब सेवा करते होंगे। तब बुढ़ा कहता है ये मर जाते तो ठीक था, जीने नहीं दे रहे, जान के लाले पड़ रहे। तो जब पूछने वाला कहता है काका ऐसी बात क्यों करते हो, तो हाथ पकड़ करके बैठा लेता है और कहता है अब आपको बतलाता हूँ, मैं तो इन परिवार वालों से ऊब गया, कोई दिन ऐसा बाकी नहीं है जिस दिन झगड़ा न होता हो, रोज कुछ कुछ लगा रहता है। अरे भाई एक समय ऐसा था कि देखो भाई भाई के लिए अन्य समझ लो कि जंगल चले गए थे राम के साथ लक्ष्मण, और ये भाई देखो एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे। जब कहो कि आपने तो पढ़ाया लिखाया तो ये क्या सीखे, अरे ये क्या सीखे, जो जानते थे वो भी खो के चले आए। पढ़े लिखे तो, मेहनत तो मैंने किया पढ़ाने में इनको, कमाने भी लायक हो गए, पैसा भी कमाने लग गए, लेकिन शहर में जब से पढ़ने लिखने नौकरी करने के लिए गए तब से ये जो जानते थे वो भी सब भूल गए। तो काका क्या जानते थे क्या भूल गए, अरे सुबह जब उठते थे तो सूरज निकलने से पहले उठ जाते थे, और गीता के श्लोक रामायण की चौपाइयाँ भगवान का नाम लेते थे, और अब 9 बजे उठते हैं फिल्मी गाना गाते हुए। जो तौर तरीका टट्टी पेशाब करने का था वो भी भूल गए, खड़े खड़े टट्टी, खड़े खड़े पेशाब, खड़े खड़े खाना, खड़े खड़े जाना, आने समझ लो सब भूलते ये चले गए। अरे भाई
पहले तो मैंने सोचा इनको कि मैं फटा पहन लूँगा और बच्चों को फटा नहीं पहनने दूँगा, और अब ये फटा पैंट पहनते हैं। तो एक दिन पूछा कि तेरे पास पैसा नहीं है, तू पैंट बनवा ले? तो कहा बड़े आदमी पहनते हैं, फटा पैंट का फैशन है, बाज आए ऐसे फैशन से। पैसा होता गया कपड़ा फटता गया, पैसा होता गया कपड़ा छोटा होता गया। अरे ये सिर ढकती ही नहीं है बहुएँ, ये तो बस आने समय लो कि कपड़ा छोटा ही पहनने लग गई, अंग दिखाई पड़ने लग गया इनका। पूछने वाला कहता है अरे बढ़िया बढ़िया, सब सीख करके आई हैं शहर से और बनाती खिलाती होंगी आपको, अरे खूब सेवा करते होंगे। अरे क्या सेवा करते, आगे पीछे इधर उधर देखता है कि कोई सुन तो नहीं रहा है। तब कहता है अरे बहू खाती रहती है और बनाती रहती है। तो एक दिन पूछवाया कि तू खाती और बनाती क्यों रहती है? तब बोली टेस्ट करती रहती हूँ कि कहीं खराब न बन जाए। तब बोला बुड्ढा कि उसकी माँ ने रोटी बनाना ही नहीं सिखाया, भोजन बनाना ही नहीं सिखाया, भोजन बना बना करके टेबल पर रखती गई, केवल पढ़ाती गई पढ़ाती गई पढ़ाती। तो वो तो न पोछा लगा पाती, न बर्तन धो पाती, न कपड़ा धो पाती हैं, इनके लिए नौकरानी चाहिए। होटल में खाती हैं, होटल बंद हो जाए तो अभी भूखी मर जाएं। तब फिर वो कहता है अरे सेवा तो करते होंगे, आपको तो हाथ पैर दबाते होंगे। कहता है हाथ पैर तो दबवाता ही नहीं हूँ। क्यों नहीं काका दबवाते हो? डर के मारे, क्योंकि ये सब पैसे के लालची हैं, सब लोभी हो गए ये, तो डरता हूँ कहीं पैर दबाते दबाते गला न दबा दें। तो अब आप ये समझो कि अन्य दुखों का संसार बन गया ये। यहाँ समझ लो कि कोई सुखी है तो उसका कारण क्या है, रोना रोना क्यों है? क्योंकि सीख नहीं पाए कि गृहस्थाश्रम में किस तरह से रहा जाए, किस तरह का खाया जाए, किस तरह का पहना जाए, किस तरह से एक दूसरे के साथ विचार व्यवहार बनाया जाए, यह सीख नहीं पाए। सत्संग नहीं मिला, सत्संग अगर मिलता रहता तो सब सीख जाते। सत्संग में तो हर तरह की बात बताई जाती है, लोक बनाने की भी बात बताई जाती है और परलोक बनाने की भी बात बताई जाती है। अब लोक बनाना किसको कहते हैं? कहते हो ना अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छे मकान में रहते हैं, अच्छे गाड़ी घोड़ा में रहते हैं, चलते हैं, पत्नी पतिव्रता है, पुत्र आज्ञाकारी है, इनका लोक बना हुआ है। परलोक बनाना किसको कहते हैं? जहाँ पर आप रहते हो यह मृत्युलोक है। इस मृत्युलोक में जो भी लोग आते हैं सबको यहाँ से जाना पड़ता है। एक से एक राजा आए, महाराजा आए, शेर साहूकार आए, पंडित मुल्ला पुजारी आए, लेकिन सबको छोड़ के जाना पड़ा। राम जैसे भगवान आए, कृष्ण जैसे भगवान आए, नानक जैसे गुरु आए, जितने आए सबको छोड़ के जाना पड़ा, सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं। तो यह है मृत्युलोक। इसके ऊपर लोक है, इसके ऊपर अन्य समय लोग सूर्यलोक, चंद्रलोक, स्वर्गलोक, वैकुंठलोक, ब्रह्मलोक, पारब्रह्मलोक, काललोक, महाकाललोक, सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अनामीलोक, बहुत से लोक हैं। तो अन्य समय लोग जब जानकारी हो जाती है, अन्य सत्संग मिल जाता है, सतगुरु मिल जाते हैं, तो लोक और परलोक दोनों बन जाता है। ये जीवात्मा इस लोक में नहीं रहते हुए और ये ऊपरी लोकों में आने जाने लग जाती है, परलोक घूमने लग जाती है जब सत्संग मिलता है। इसीलिए पहले के समय में बराबर सत्संग सुनने के लिए संतों के पास लोग जाया करते थे, और जब सत्संग जब मिलता था तब लोगों को इस बात की जानकारी रहती थी कि भाई ये मनुष्य शरीर मंदिर की तरह से है, इसको गंदा नहीं करना है, ये गुरुद्वारा चर्च और ये मस्जिद की तरह से है, इसको गंदा नहीं करना है। देखो यहाँ बहुत बड़ा गुरुद्वारा बना है आपके यहाँ, और उसमें चले जाओ कोई गंदी चीज़ डाल दो
तो वहाँ कोई ग्रंथ का पाठ करेगा? मस्जिद में कोई गंदी चीज़ डाल दो, मंदिर में कोई गंदी चीज़ डाल दो, तो कोई पूजा करेगा, इबादत करेगा? ऐसे ही कहा गया, यह मंदिर है, इसको पाक साफ रखो। जब यह पाक साफ रहेगा और इससे पूजा उपासना करोगे, उस मालिक को याद करोगे, तो यानी वो मालिक खुश होगा, मालिक उनको मिलेगा। जब ये गंदा रहता है, विचार गंदे रहते, भावना गंदी रहती है, तो कितना भी पूजा पाठ करो, कितना भी ग्रंथ का पाठ करो, कितना भी यानी नमाज अदा करो, लेकिन वो कबूल नहीं होता है। इसलिए इसको पाक साफ रखना जरूरी होता है। देखो, मनुष्य शरीर जो बना, ये किसके लिए बना? शाकाहारी भोजन के लिए बना। शाकाहारी भोजन किसको कहते हैं? जड़ जिसमें होती है, एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकता है, वो है जड़, वो खाना होता है शाकाहारी। जैसे साग सब्जी, जैसे आपका अन्य समझ लो फल फूल, और आपका ये अनाज, ये इसमें जड़ होता है, एक जगह दूसरी जगह नहीं जा सकता। यह मनुष्य का भोजन है। जो चेतन है, मुर्गा भैंसा बकरा चेतन है, एक जगह दूसरी जगह आ जा सकते हैं, उसको खाने के लिए मनुष्य शरीर नहीं बनाया गया है। ये पांच तत्वों से बना हुआ है, जल पृथ्वी अग्नि वायु और आकाश, पांच तत्वों से बना हुआ है, और उनमें पूरे तत्व नहीं होते हैं। उनमें जो मांसाहारी जानवर होते हैं, उनमें पूरे तत्व नहीं होते हैं, और उनके दांत नुकेले होते हैं, आँखें गोल होती हैं, और वो चाट करके पानी पीते हैं, वो मांसाहारी होते हैं। एक कुत्ते के बच्चे को, एक शेर के बच्चे को, एक अन्य बिल्ली के बच्चे को आप बचपन से ही पैदा होते ही मांस खिलाते रहो, तो उसके स्वभाव में कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन मनुष्य के बच्चे को दूध घी रोटी कुछ मत दो, केवल मांस खिलाओ, तो बुद्धि का विकास नहीं हो सकता। मनुष्य शाकाहारी है। जब मांस का आहार करता है, मांस इस शरीर के अंदर जाता है और उससे खून बढ़ता है, तो खून बेमेल हो जाता है, तालमेल नहीं खाता है। यानी समझ लो कि शरीर के खून से जिस तरह से शरीर का पोषण होना चाहिए, उस तरह से नहीं होने पाता है, तो अन्य तरह तरह के रोग हो जाते हैं। आप देखो, डॉक्टर साहब लोग कहते हैं खून की कमी हो गई, तो हर किसी का खून नहीं चढ़ाते। अब आप ये समझो, भाई भाई का खून नहीं मिलता है, कहते ग्रुप नहीं मिल रहा है। समझ लो कि बाप और बेटे का नहीं मिलता है, समझ लो माँ और बेटे का नहीं मिलता है, समझ लो कि मतलब उसी रक्त और वीर से बने हैं, लेकिन खून नहीं मिलता है। अब ये समझ लो कि खून बेबेल हो गया, ऐसी चीज़ पेट में गई कि जो मतलब यह है कि शाकाहारी खून से तालमेल नहीं खाती है, तो अन्य समय लो तरह तरह की बीमारियां हो जाती। और खून का दौरा जब तेज होता है, तब कहते हैं ना ब्लड प्रेशर हाई हो गया। बुद्धि काम करती है, नहीं काम करती? तो बुद्धि जब काम नहीं करेगी, तो आदमी क्या मेहनत ईमानदारी की कमाई कर पाएगा? फिर तो बैठा रह करके और फिर इधर उधर से फितरतबाजी की ही कमाई करेगा, तो फितरतबाजी की कमाई करेगा, हराम का खाएगा, तो बुद्धि खराब हो जाएगी। बुद्धि खराब हो जाएगी तो मतलब यह है कि नुकसान हो जाएगा। इस समय बरकत लोगों को क्यों नहीं हो रही है? इसीलिए कि मेहनत और ईमानदारी की कमाई नहीं कर पा रहा है। तो देखो, मुख्य बात आप ये समझो कि शाकाहारी रहना बहुत जरूरी है। ऐसे नशे का सेवन मत करो कि जिससे बुद्धि खराब हो जाए, माँ बहन बहू बेटी की पहचान आँखों से ख़त्म हो जाए। ऐसा काम आप मत करो। अब आप ये समझो कि जब माँ बहन बहू बेटी की पहचान ख़त्म होती है आँखों से, तब क्या होता है? सर्वनाश होता है, महाभारत होता है। इसलिए वैसी स्थिति को क्यों आने दो? इसलिए ऐसा नशे का सेवन न करो। मेहनत ईमानदारी की कमाई पर भरोसा रखो, और अन्य समझ लो कि कम खाओ। कम खाओगे तो बीमारी नहीं आएगी, रोग नहीं आएगा, फिर डॉक्टर साहब के पास नहीं जाना पड़ेगा। और नहीं तो एक बार
अगर काट पीट इस शरीर का हो गया तो फिर वो अन्य समझ लो असलियत वाला शरीर नहीं रह जाता है, फिर कोई न कोई तकलीफ बन जाती है। तो फिर एक ऑपरेशन, दो ऑपरेशन, तीन ऑपरेशन, फिर दे ऑपरेशन। एक आदमी ऊब गया ऑपरेशन कराते कराते, दो बार कराया, तीसरी बार कराया, चौथी बार जब फिर डॉक्टर साहब ने कहा ऑपरेशन होगा, तब बोला अब की बार ऑपरेशन करने के बाद सिलाई मत करना, टांके मत लगाना, चैन लगा देना, चैन मैं चैन खींच के ऑपरेशन कर दिया करना। तो अब आप ये समझो कि भाई कम खाओ तो रोग आवे क्यों, और कम खाओ बर्दाश्त कर लो, बर्दाश्त कर लो तो लड़ाई झगड़े से बचे रहोगे, कोई मुकदमेबाजी नहीं होगी, पुरुष को गुस्सा आवे औरत चुप हो जाए तो झगड़ा होगा, कभी नहीं होगा। औरत को गुस्सा आवे पुरुष चुप हो जाए, कभी झगड़ा नहीं होगा। सास को गुस्सा आवे बहू चुप हो जाए, बहू को गुस्सा आवे सास चुप हो जाए, भाई को गुस्सा आवे भाई चुप हो जाए, एक अगर चुप हो जाए तो समझ लो कि उसका गुस्सा उसी तक सीमित रह जाएगा। आदि वो अपने गुस्से की अग्नि में, क्रोध की अग्नि में ही अनि जल करके और फिर ठंडा पड़ जाएगा। देखो कोई क्रोध जब करता है तमतमा जाता है शरीर, और ज़्यादा देर तक क्रोध में बोलता रहे तो ठंडा होता, चुप हो जाता है, तो बिल्कुल शरीर सुस्त हो जाता है, ठंडा हो जाता है, खून जलता है। तो अब आप इस बात को समझो कि बर्दाश्त में बहुत बड़ी शक्ति बताई गई। छोटा बन जाओ अभी सब प्यार करने लग जाए, छोटा बन जाओ का लौटा से प्रभुता मिले, और प्रभुता से प्रभु दूध, और चीटी चावल ले चली हाथी मस्तक ढूल। आप समझो कि बड़ी बड़ी जितनी भी घास हैं, अभी जब मई जून का महीना आएगा तो ये सब जल करके राख हो जाएंगे, लेकिन ये जो डूब घास जमीन में अनि चिपक करके रहती है वो कभी भी जलती नहीं है, हमेशा हरी ही हरी रहती है। कहा ना नानक नन्हे हुए रहो, जैसे घास में डूब और घास जल जाएंगी डूब खूब की खूब। तो छोटे बन जाओ सब प्यार कर। बुढ़े के पास बैठे थे, बुढ़ों के पास बैठना चाहिए, लोग तो माता पिता को घर से ही निकाल दे रहे इस समय, माता पिता से सीख लेना चाहिए। ये बहुएँ जो नई नई आती हैं ना पढ़ लिख करके, ये कहती कैसे इनसे बात करूं, ये अनपढ़ है, मैं पढ़ी लिखी हूँ अहंकार में। लेकिन देखो कोई MBBS MS करके लड़की आवे डॉक्टरी पढ़ करके, दूसरे के पेट से बच्चे को तो निकाल देगी ऑपरेशन करके, लेकिन उसके बच्चा पैदा होने का समय आएगा तब अपना ऑपरेशन कर पाएगी, वही अनपढ़ सास आराम से बच्चा पैदा करा देती। जय गुरुदेव। अभी आपने बाबा उमाकांत जी महाराज के सत्संग को सुना। बाबा जी अन्य किसी से चंदा न लेकर अपने प्रेमियों के सहयोग से देश विदेश में तमाम जनहित के काम करते हुए सभी तरह की तकलीफों को दूर करने व प्रभु के मिलने का उपाय बताते हैं। आप इस जीवन के इस बचे हुए समय में समय निकालकर बाबा जी से जरूर मिलिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय।